Question number 5 is, find the whole quantity of 5% of it is 600. It means कि यहाँ पे कोई एक number है जिसका 5% हो रहा है 600. So ultimately we have to find out that number. So in the first step, we assume that number as a x. So let us write down, let the whole number equals to x. Therefore, 5% of x equals to 600. Now, यहाँ पे हमने already जैसे ही हमने previous question में discuss किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे? Percentage को remove करेंगे. So यहाँ पे हो जाएगा, therefore 5% को remove करेंगे. So we add 100 in denominator. So 5/100. Now here the meaning of x, that means ki we need to multiply x with this given fraction number. So 5/100 into x equals to 600. Now ultimately हमें क्या करना है, x की value find out करनी है. तो यहाँ पे left hand side में हम only x रखेंगे. Now right hand side पे क्या है, 600. अभी ये पूरा fraction number है, वो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे. सो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर हो जाएगा, और न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे 100 है वो यहाँ पे 600 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों नंबर के डिविजन में आ जाएगा नंबर 5. सो यहाँ पे हमको मिला x इक्वल्स टू 600 into 100/5. Now 5 ones are 5, और 5 twos are 10, और एक zero हम add करेंगे. 6 twos are 12, and let count the number of 0, 1, 2 and 3. So हम 3 zero हैं वो last में add करेंगे. So यहाँ पर हमको answer मिल गया 12,000. That means कि जो unknown number था जिसका 5% 600 हो रहा है, that number is 12,000. So in last we write down, thus the whole number is 12,000. B is 12% of it is rupees 1,080. So here again ऐसा बताया गया है कि कोई एक नंबर है जिसका 12% हो रहा है 1,080. सो यहाँ पे हमें वो नंबर है वो फाइंड करना है. सो क्या करेंगे हम, अगेन जैसे हमने पहले किया, अज्यूम कर लेंगे, लेट द होल नंबर इक्वल्स टू एक्स. देयरफॉर 12% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1,080. नाउ अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे. यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल मुझे रिमूव करना है, सो आई ऐड 100 इन डिनोमिनेटर. सो 12/100 नाउ ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू ऑन द राइट हैंड साइड 1,080 एज इट इज. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो पुट एक्स एज इट इज. Now on the right hand side 1,080 as it is. Now ये पूरा fraction number है, वो क्या करेंगे हम, transpose करके ले जाएंगे right hand side पे. तो यहाँ पे हो जाएगा 100 है वो multiplication में चला जाएगा, so into 100/12. So ये हो गया हमारा final. अब हमको क्या करना है, cross करना है. So we know 12 9s are 108, और पीछे हम जीरो हैं वो ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे हमको मिला 90 into 100. तो यहाँ पे 9 ones are 9, और कितने ज़ीरो हैं, 1, 2 and 3. सो ऐड 3 0 1 2 and 3. सो दैट मीन्स कि हमको एक्स की वैल्यू मिल गई 9,000. सो इन लास्ट वी राइट डाउन, दस द होल नंबर इज ₹9,000. यहाँ पे हमने लिखा ₹9,000 बिकॉज यहाँ पे मेजरमेंट गिवन था वो किस में था, रुपीज़ में.
सी इज 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। सो अगेन यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई एक नंबर है जिसका 40% हो रहा है 500 किलोमीटर। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर। सो क्या करेंगे हम वो नंबर को अज्यूम करेंगे। सो फर्स्टली वी राइट डाउन लेट अस सी होल नंबर इक्वल्स टू एक्स। देयरफॉर 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। नाउ क्या करेंगे अगेन जैसे हमने ऊपर वाले सम में किया था सेम स्टेप रिपीट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 40 एज इट इज। नाउ परसेंट का सिंबल मुझे रिमूव करना है तो वी ऐड 100 इन डिनोमिनेटर। ऑफ एक्स का हो जाएगा इनटू एक्स इक्वल्स टू 500। नाउ देयरफॉर वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स हम लिखेंगे एंड ऑन द राइट हैंड साइड 500। ये 100 है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा सो इनटू 100, और 40 है वो चला जाएगा डिविजन में सो अपॉन 40। नाउ 0 से 0 क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 25 2 ज़ा 50, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ पे हमें मिला 25 इंटू, यहाँ पे 0 हो जाएगा एड 25 2 5 0 इंटू 5 इक्वल्स टू हमें मिलेगा यहाँ पे 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125, और 0 है वो हम यहाँ पे 0 है वो ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 1250। सो इन लास्ट वी राइट डाउन दस द होल नंबर इज 1250 किलोमीटर, बिकॉज हमें मेजरमेंट गिवन है वो किसमें है किलोमीटर में। सो दैट इज़ वाई वी राइट डाउन 1250 किलोमीटर। पार्ट डी इज 70% ऑफ इट इज 40 मिनट्स। सो नाउ यहाँ पे बताया गया है कि कोई ऐसा नंबर है जिसका 70% हो रहा है 40 मिनट्स। सो क्या करेंगे सबसे पहले अस्यूम करेंगे लेट द होल नंबर इक्वल्स टू एक्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा 70% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 14। नाउ पर्सन को रिमूव करना है सो 70 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 ऑफ एक्स का इंटू एक्स इक्वल्स टू 14। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज, राइट हैंड साइड पे 14 एज इट इज, और ये पूरा नंबर है वो लेफ्ट साइड से हम ट्रांसपोज करके ले जाएंगे राइट साइड पे। सो यहाँ पे 100 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 70 आ जाएगा डिविजन में। सो 0 से 0 कट, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। सो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। सो दैट मीन्स कि 20 मिनट्स 70% ऑफ 20 मिनट्स इक्वल्स टू 14 मिनट्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दस द होल नंबर इज 20 मिनट्स। पार्ट ई इज 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कोई एक नंबर है जिसका 8% हो रहा है 40 लीटर। सो यहाँ पे हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द होल नंबर इक्वल्स टू एक्स। देयरफॉर 8% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40। नाउ यहाँ से पर्सन का सिंबल रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 8/100 ऑफ एक्स का इंटू एक्स इक्वल्स टू 40। नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली एक्स,
राइट हैंड साइड पे 40, फिर ये पूरा नंबर है वो हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 8 चला जाएगा डिविजन में. नाउ 4 2 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो यहाँ पे हो गया 5 × 100 इक्वल्स टू 500. सो दैट मीन्स कि 500 का 8% होगा 40 लीटर्स. सो इन लास्ट वी राइट डाउन दस द होल नंबर इज 500 लीटर 500 लीटर्स. सो दैट मीन्स कि 500 लीटर्स का 8% होगा 40 लीटर. क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो परसेंटेज गिवन है उसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज ए इक्वल्स टू 25%. सो 25% को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 25 एज इट इज़ परसेंटेज को रिमूव करूँगी तो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा 00. सो यहाँ पे अगर इसको हम डेसिमल में लिखें तो कितने नंबर हैं, 0, 1 एंड 2. सो दैट मीन्स कि लास्ट में 2 नंबर से पहले हम पॉइंट रखेंगे. सो यहाँ पे 5 देन 2, दो नंबर हो गए, पुट पॉइंट और उसके बाद आगे हम ऐड कर देंगे 0. तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.25. अभी ये सेम चीज़ का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या है हमारे पास 25%. तो अगेन उसको हम लिखेंगे कैसे, 25/100. सो यहाँ पे 25 ones are 25, 25 fours are 100. तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 1/4. तो ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म और ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म. नाउ पार्ट बी इज 150%. 150% को कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, 150/100. सो अगेन कितने ज़ीरो हैं, 1 एंड 2. सो क्या करेंगे हम लास्ट में, दो ज़ीरो दो नंबर के पहले हम पॉइंट रखेंगे. सो ये हो गया हमारा लास्ट वाला पहला नंबर, ये हो गया हमारा लास्ट वाला दूसरा नंबर, दो नंबर हो गए, देन पुट अ पॉइंट और उसके बाद आगे नंबर है, यस यहाँ पे आगे नंबर है तो हम ये नंबर लिख देंगे. यहाँ पे ये वाले केस में आगे नंबर नहीं था बिकॉज 25 इज द नंबर. सो यहाँ पे आगे नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो केस में 0 ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे हमको डेसिमल फॉर्म मिल गया 1.50. अब यहाँ पे सेम नंबर 150% का फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएगा, 150/100. क्रॉस करेंगे, 0 0 क्रॉस हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. तो यहाँ पे हमको मिल गया 3/2. पार्ट सी इज 20%. तो 20% में से कैसे करेंगे, 20 एज इट इज़ परसेंट को रिमूव करेंगे तो वी ऐड 100 इन डिनोमिनेटर. इसको अगर हम लिखना चाहें तो कितने ज़ीरो हैं नीचे, 2 ज़ीरो, तो लास्ट में से दो नंबर से पहले पॉइंट, तो लास्ट वाला नंबर 0, सेकंड लास्ट नंबर 2, दो नंबर हो गए, देन पुट अ पॉइंट. अभी आगे और कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे. तो इसका हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया 0.20. नाउ अगेन 20% है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो हो जाएगा 20/100. सो 0 0 क्रॉस हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो यहाँ पे हमको आंसर मिला 1/5. तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 20%. देन पार्ट डी इज 5%. तो 5% में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 5/100. 5/100, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो दो नंबर
एक नंबर हो गया 5, अभी 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये केस में हम क्या करेंगे, अगर कोई नंबर नहीं होता है तो वो केस में हम 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 0, अभी 2 नंबर हो गए, 2 नंबर से पहले पॉइंट और उसके आगे एक और 0, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 0.05। अभी सेम 5% का, सॉरी इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 5% का, नाउ फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा 5/100, सो वी नो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 10 और ऐड कर देंगे बिकॉज 100 है, तो यहाँ पे हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म 1/20, सो दैट मीन्स कि 5% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/20 और 5% का डेसिमल फॉर्म होगा 0.05। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फीमेल्स इक्वल्स टू 30% एंड 40% आर मेल्स, सो यहाँ पे हो जाएगा मेल्स इक्वल्स टू 40% एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, सो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि चिल्ड्रन हैं वो कितने होंगे, सो एज वी ऑल नो परसेंटेज होते हैं वो कितने में होते हैं, 100 में होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 में से 40 एंड 30 को लेस कर देंगे, सो दैट इज़ व्हाई वी राइट डाउन देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 100% माइनस फीमेल का कितना है 30% प्लस मेल का कितना है 40%, सो यहाँ पे हो जाएगा 100% माइनस 30 + 40 इक्वल्स टू 70%, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 - 70 इक्वल्स टू 30%, सो इन लास्ट वी राइट डाउन दस 30% चिल्ड्रन आर देयर इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 इज आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, सो यहाँ पे क्या बताया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से सिर्फ 60% लोगों ने वोट किया है, सो दैट मीन्स कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया है 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आंसर मिल जाएगा हमें 40, सो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है 40% ऑफ 15,000, सो इसको हम लिखेंगे कैसे परसेंटेज of voters who did not vote equals to percentage कितने में होते हैं 100 में होते हैं, सो यहाँ पे हो जाएगा 100% माइनस कितने परसेंट ने वोट किया है 60% में, तो 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितने लोगों ने वोट नहीं किया है, तो वो हो जाएगा हमारा 40%। नाउ यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है 40% ऑफ 15,000, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट इक्वल्स टू 40% ऑफ 15,000, सो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 40% ऑफ 15,000, सो यहाँ पे 40% को रिमूव करना है तो ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में 100 ऑफ 15,000 का इनटू 15,000, सो यहाँ पे कट करेंगे 00 00 कट हो गया, नाउ 15 4s क्या हो जाएगा 60, 15 4s 60 और यहाँ पे 1 and 2 0 हैं वो हम ऐड करेंगे, सो 1 and 2, सो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 6,000, सो इन लास्ट वी राइट डाउन दस 6,000 वोटर्स डिड नॉट वोट।
Question number 9 is, Meeta saves rupees 4000 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? So, यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है कि जो 4000 है वो बीता की सेविंग है और वो 4000 है वो उसकी एक्चुअल सैलरी का 10% है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू फाइंड आउट हिज एक्चुअल सैलरी. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी सैलरी अज्यूम करेंगे. सो हियर वी राइट डाउन, लेट बीतास सैलरी इक्वल्स टू रुपीज एक्स. देयरफोर यहाँ पे 10% है, 10% ऑफ X that is given, 10% उसका सेविंग हुआ है और वो कितना हुआ है 4000. सो यहाँ पे हो गया 4000 और 10% उसकी जो सैलरी है उसका क्या है 4000. तो यहाँ पे हो गया 10% ऑफ X इक्वल्स टू 4000. देयरफोर 10 अपॉन परसेंट को रिमूव करेंगे सो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में अपॉन 100 ऑफ X का हो जाएगा इंटू X इक्वल्स टू का हो जाएगा 4000. सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफोर x इक्वल्स टू 4000 राइट हैंड साइड पे एज इट इज. यहाँ पे 1/100 10/100 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे तो 100 चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 10 चला जाएगा डिविजन में. सो यहाँ से 0 से 0 कट हो गया. नाउ 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 and 4 40 ऐड कर दिए तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला, therefore x equals to 40,000. सो दैट मीन्स कि मीता की एक्चुअल सैलरी कितनी होगी 40,000. सो इन लास्ट वी राइट डाउन, thus मीता's salary equals to rupees 40,000. Question number 10 is, a local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक लोकल क्रिकेट टीम है, उन्होंने टोटल 20 मैचेस है वो एक सीजन में प्ले किया. नाउ 20 मैचेस में से उन्होंने 25% है वो विन किया. सो उसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि कितने मैचेस हैं वो उन्होंने विन की. सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन वन सीजन इक्वल्स टू 20. Now percentage of matches won equals to कितनी matches हैं उन्होंने win की 25%. So ultimately हमें क्या find out करना है 25% of 20. So यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the number of matches won equals to 25% of 20. 25% of 20 क्या हो जाएगा 20 as it is. परसेंट को रिमूव करेंगे तो ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में 100. ऑफ 20 का मीनिंग हो जाएगा इनटू 20. सो यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया. 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10 और 5 5 25. सो यहाँ पे हमको आंसर मिला 5. सो दैट मीन्स कि कितनी मैचेस उन्होंने विन की होगी, टोटल 5. सो इन लास्ट वी राइट डाउन देयरफॉर द लोकल क्रिकेट टीम वॉन 5 मैचेस.